इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में दुख नहीं है। और दुख ठीक है, यदि व्यक्ति बुरा है जीवन में दुख आना ठीक है, लेकिन अच्छे लोग दुखी होते हैं। अच्छे लोगों के जीवन में बुरा होता है, बुरे लोगों के जीवन में अच्छा होता है। इसलिए बहुत सारे लोग आजकल बुरे होने की कोशिश में हैं, क्योंकि बुरे काम करने से खुशी मिलती है, धन दौलत मिलता है, ये जीवन में लोगों का अनुभव है। लेकिन वास्तव में सही है या नहीं, इस प्रकार के बहुत सारे और प्रश्न हैं। ईश्वर कौन है, शैतान कौन है, जीवन क्यों है और जीवन के बाद क्या होगा, ये सब जरूर हम जान रहे हैं। पवित्र बाइबल में इन सब का जवाब है। लेकिन यदि मैं आपसे कहूं पूरे पवित्र बाइबल को पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल 42 अध्याय के एक पुस्तक को आप पढ़िए, इन सब का जवाब सटीक रूप से हमें समझने के अनुसार हमें पूर्ण रूप से मिल जाते हैं। वो पुस्तक का नाम है अय्यूब का ग्रंथ, या योग का ग्रंथ, या जोब का ग्रंथ अंग्रेजी में। केवल 42 अध्याय है। यदि आप अभी तक उस पुस्तक को पढ़े नहीं है जरूर पढ़िएगा। लेकिन इस पुस्तक को पढ़ने के पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें इस पुस्तक के बारे में बताना चाहूंगा, ताकि आप सरल तरीके से इस पुस्तक को पढ़ सके और इसको सही रूप में समझ सके। ये बहुत जरूरी है। हम देखते हैं कि वास्तव में ये पुस्तक सबसे पुरानी घटनाओं के बारे में वर्णन है। कहा जाता है अब्राहम हमारे विश्वास के पिता और अय्यूब की जीवन का समय एक है, दोनों समकालीन के। और यह पुस्तक लिखा गया था, कहा जाता है, देखिए ये सब बहुत पुराने पुराने पुस्तक हैं, तो हमें स्पष्ट रूप से हम बता नहीं सकते हैं। कहा जाता है 400 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व यानी ईसा के जन्म के पहले 400 साल पहले यह पुस्तक लिखा गया होगा, वो भी स्पष्ट रूप से ये नहीं। इतनी जानकारी पुस्तक के बारे में पर्याप्त है। और लेखक कौन हो सकता है, कुछ लोग कहते हैं मूसा है, पहले लोग मानते थे, अभी कोई मानता नहीं है कि मूसा इसके लेखक है, संभव ही नहीं है। ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पुस्तक से हमें बहुत सारे रहस्यों का जवाब या हमारे जीवन के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो सब हमें इस पुस्तक से मिलते हैं। इसलिए ये अत्यंत आवश्यक एक पुस्तक है। जैसे मैंने कहा इस पुस्तक में 42 अध्याय हैं। इन 42 अध्यायों को 4 खंड में बांटा गया है। इन 4 खंड को हम यदि देखें तो शुरुआती 2 अध्याय में बहुत ही खतरनाक एक दृश्य हमें देखने को मिलता है। पवित्र बाइबल में अन्य कोई भी जगह पर स्वर्ग में शैतान को आते हुए नहीं बताया गया है। जरूर प्रकाशना ग्रंथ में जो स्वर्गदूत विद्रोह किए उनका और अन्य लोगों का, अन्य स्वर्गदूतों के बीच में लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था और वे हराए गए, सबके बारे में वर्णन है। लेकिन शैतान को स्वर्ग जाते हुए आप पवित्र बाइबल में अन्य कोई भी पुस्तक में नहीं पढ़ पाएंगे। ये केवल अय्यूब के ग्रंथ में ही मिलता है। तो अध्याय शुरू होते ही पहले अध्याय में ही, पुस्तक के शुरुआती में ही हम शैतान को स्वर्ग में देखते हैं। एक महत्वपूर्ण एक रहस्य यहां से शुरू होता है। वो किस लिए, आप पुस्तक को पढ़िए तब पता चलेगा। तो ये पहले दोनों अध्याय ईश्वर और शैतान के बीच के वार्तालाप है। और जैसे आपको मालूम होगा अय्यूब का जो ग्रंथ है, जैसे पवित्र बाइबल में अलग अलग प्रकार के पुस्तकें हैं, तो अय्यूब का ग्रंथ इसमें उपदेशात्मक तथा काव्य ग्रंथ जितने भी हैं उसमें यह आता है। और ये ऐसा एक पुस्तक है इसमें डायलॉग बहुत ज्यादा मिलते हैं। डायलॉग जैसे आप इंग्लिश ग्रामर सब पढ़ते हैं तो डायरेक्ट स्पीच में चलती है बात, इधर ज्यादा ना बातचीत चलती है, ये कोई वर्णन केवल नहीं है, बातचीत बहुत ज्यादा चलती है। तो इसलिए ये पढ़ने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग वाली एक पुस्तक है, आप जरूर इसको पढ़िएगा। दोनों अध्यायों के बाद में हम देखते हैं जब अय्यूब बीमार हो जाते हैं, उसकी पत्नी उसको छोड़ के चली जाती है, तब शुरू होता है एक विशेष बात। अध्याय 3 से लेकर अध्याय 31 तक अय्यूब बीच बीच में, जैसे मैंने कहा यहां डायलॉग चलती है बातचीत, तो अय्यूब अपनी परिस्थिति को बार बार प्रकट करते हुए यहां रोते रहते हैं, वो हम पाते हैं अध्याय 3 से लेकर 31 तक। तो ये बातचीत है, तो सभी बातें अय्यूब की नहीं है,
उनके और उनके दोस्तों के बीच के वार्तालाप, लेकिन पूरा पूरा आप अय्यूब की बातों को सुन पाएंगे। अध्याय 4 से लेकर अध्याय 27 तक तीन दोस्त जो अय्यूब से मिलने आते हैं, उनके घनिष्ठ मित्र होते हैं, उनके बारे में वर्णन है। और ये भी एक विशेष बात इसमें हमें ध्यान में रखने की जरूरत है, वो ये है कि ये तीनों व्यक्ति दुख के तीन कारणों को यहां प्रकट करते हैं। इसलिए मैं ये सब बता रहा हूं ताकि जब आप पढ़ेंगे आपको इसके अंदर की जो बातें हैं आप समझ पाएंगे। ना दैनिक जीवन में हम जब दुख के बारे में किसी के पास जाकर आप शेयर करेंगे, लोग उसके बहुत सारे कारण बताएंगे, ये होगा या वैसे होगा, ना अनुमान लगा के बताते हैं लोग, आइडिया देने में बहुत सारे लोग माहिर हैं। उसी प्रकार ये तीन दोस्त जो हैं, उस समय जो विचारधाराएं रही, मुख्य तीन विचारधाराएं, उसके प्रतिनिधि के रूप में ये देखे जाते हैं। क्योंकि अय्यूब दुख में पड़े हैं तो ये तीन प्रमुख जो विचारधाराएं रही उसके द्वारा इसके लिए निवारण ढूंढने की कोशिश की जा रही है। तो प्रथम जो दोस्त आता है उसका नाम है एलिफस। अध्याय 4 में हम उन्हीं को देखते हैं। तो एलिफस जो है वो अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभव से दुख के कारण को वे प्रकट करने की कोशिश करते हैं, अय्यूब से बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, संवाद करते हैं। तो वे अपने व्यक्तिगत अनुभव, जैसे आपके जीवन में दुख हुआ होगा तो आप दूसरे कोई व्यक्ति के जीवन में दुख आता है तो आप जाकर शेयर करते हैं, देखो मेरे जीवन में भी ऐसे ही हुआ था, वैसे ही एक व्यक्ति है एलिफस। दूसरा जो व्यक्ति है उनका नाम है बिल्दद, जिनको हम अध्याय 8 में देखते हैं। बिल्दद जो है परंपरागत जो धारणाएं रहती हैं ना, हम हमारे पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं, मौखिक रूप से हमारे समाज में ये सब देखने को मिलती हैं जो धारणाएं, उन धारणाओं के आधार पर, परंपरागत धारणाओं के आधार पर दुख के कारण को वे सुलझाने की कोशिश करते हैं। कौन? बिल्दद। और तीसरा मित्र का नाम है सोफर। सोफर जो है ईश्वर की न्यायशीलता पर आधारित दुख के कारण को बताने की कोशिश करते हैं। तो हम इस प्रकार तीन प्रमुख जो धारणाएं रही उस पर आधारित इसके लिए जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहला जो था वो है व्यक्तिगत अनुभव, पर्सनल एक्सपीरियंस। दूसरा जो है परंपरागत धारणाएं। तीसरा है ईश्वर की न्यायशीलता। ईश्वर न्यायी है तो जो पाप करता है ईश्वर उसको दंड देता है ना, उनकी न्यायशीलता। इतने केवल नहीं, ये वास्तव में अय्यूब के मित्र हैं, लेकिन हम अचानक देखते हैं अध्याय 32 में एक व्यक्ति प्रवेश करता है, वो बहुत ही छोटे उम्र के रहता है। अध्याय 32 से लेकर 37 तक इन अध्यायों में हमें एलीहू नामक एक युवा वहां दिखाई देता है। ये युवा व्यक्ति अपनी दृष्टिकोण से एक नई दिशा, अय्यूब के दुख के लिए एक नया दृष्टिकोण वहां प्रदान करता है। मैं इसलिए कहा यह पुस्तक पढ़ना बहुत ही मजेदार रहे, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। ये ऐसे ही कुछ कहानी टाइप का नहीं है। मैं भी वास्तव में पहले ऐसे सोचा करता था कि ये कहानी है, नहीं, इसमें अलग अलग विचारधारा हैं जो हमारे दैनिक जीवन में हमें सुनने को मिलती हैं, वो सब यहां हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अध्याय 38 में, 38 में ईश्वर प्रवेश करते हैं। अभी इतने सारे लोग, चार लोग आकर अय्यूब के दिमाग को खराब कर दी, उनको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अभी अध्याय 38 में ईश्वर प्रवेश करते हैं। ईश्वर आकर दुख का कारण बताते हैं, डायरेक्टली नहीं बताते हैं। ईश्वर क्या पूछते हैं अय्यूब से मालूम? अय्यूब तुम बताओ कि मैं इन सब सृष्टि का निर्माण मैं कर रहा था, तू कहां था बाबू? तुम मुझसे प्रश्न कर रहे हो आज, तुम मुझसे प्रश्न कर रहे हो, मैं इन सब चीजों का निर्माण कर रहा था, तुम कहां था? क्या तुम इन सब प्रश्नों का जानने के योग्य हो? हम सोचते हैं कि हम मनुष्य हैं तो हमारा सब कुछ को जानने का अधिकार है ना, भारत में जानकारी का अधिकार है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन।
लेकिन ईश्वर कहते हैं मनुष्य को सब कुछ जानने का अधिकार नहीं है। मतलब हम ईश्वर के पास जाकर प्रश्न नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर ईश्वर होते हैं। हम बहुत बार समझ नहीं पाते हैं कि वास्तव में ईश्वर होता कौन है। वास्तव में हमें पता नहीं है कि ईश्वर होता कौन है, कितने शक्तिशाली हैं वो। हम उनसे प्रश्न करने लायक नहीं है, हम धूल मात्र हैं। इसलिए अय्यूब आखिरी में कहेंगे, प्रभु मैंने एक बार बोला, अब मैं छोटे बच्चे के समान अपनी उंगली अपने होठों पर रखता हूं, अब मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। ईश्वर यहां विशेष बातों को बताते हैं। ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं उसको ईश्वर यहां प्रकट करते हैं। वो हमसे ये बताते हैं, हमें अपने पर निर्भर रहकर जीने की कोशिश नहीं करनी है, हमें स्वयं पर निर्भर रहकर जीने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि हमें ईश्वर पर आधारित निर्भर रहकर जीने सीखना है। मतलब हमें नम्र बनने की जरूरत है, हमें विनीत बनने की जरूरत है, हमें आत्मसमर्पित होकर जीने की जरूरत है। और हमारे जीवन में कुछ भी बीते उसका जवाब ढूंढने की कोशिश ना करें, उसका जवाब ढूंढने की कोशिश ना करें, बल्कि ईश्वर के साथ चलने की कोशिश करें। समय आएगा जब ईश्वर उसका जवाब हम पर प्रकट करेंगे, ईश्वर हम पर प्रकट करेंगे। हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए इतना ही जरूरी है कि हम दुख हो या खुशी, संपन्न हो या गरीबी, सब परिस्थिति में हमेशा हम नम्र और विनीत बनकर ईश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाले उनकी संतान बने। इन रहस्यों के साथ साथ और भी बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इस छोटी सी पुस्तिका से मिलेंगे। उसके लिए आपको पूरा पूरा इस पुस्तक को पढ़ना अनिवार्य है। मैं इसलिए इसकी पूरी कहानी नहीं बता रहा हूं, आपसे मेरा नम्र निवेदन है, हम इन दिनों इस पुस्तक के एक एक अध्याय, जैसे हम हर दिन एक अध्याय कार्यक्रम हमारे दूसरे चैनल में चला रहे थे, उसको हम वापस इसी चैनल में ला रहे हैं। हर दिन सुबह 6 बजे हर दिन एक अध्याय, आप जुड़िए, सुनिए, अपने पवित्र बाइबल भी एक हाथ में लीजिए, एक डायरी दूसरे हाथ में रखिए, पेंसिल लेना मत भूलिए, क्योंकि इस पुस्तक में आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, बहुत सारी ऐसी धारणाएं, बहुत सारी ऐसी बातें जिन पर हमें गहरे मनन चिंतन करने की जरूरत है, ऐसी बहुत सारी बातें आपको मिलेगी। इसलिए डायरी लेना मत भूलिए और हाथ में पेंसिल रखिए, अंडरलाइन करते जाइए। और आने वाले दिनों में हम इस पुस्तक पर आधारित और भी वीडियोस आपके सामने लाएंगे, ताकि आप इस पुस्तक को और भी बेहतर समझ सकेंगे और अपने जीवन में अमल करके एक बेहतर क्रिस्तीय जीवन जी सकेंगे। पुस्तक को पढ़ना मत भूलिए और इस वीडियो को दूसरों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना भी मत भूलिए। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि आपको हम जब भी वीडियोस पब्लिश करते हैं आपको सभी वीडियोस डायरेक्ट आपके मोबाइल में मिल सके। और लाइक और शेयर करना भी मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर के द्वारा ये और 10 लोगों तक YouTube पहुंचाएगा। ईश्वर के वचन को और ईश्वर के राज्य के फैलाव में हमारा आप भी साथ दीजिए। धन्यवाद।